अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके WhatsApp पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्रिएट चैनल का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, तो उसको आपने कैसे लेकर आना है, और अगर आपके तरफ क्रिएट चैनल का ऑप्शन आ रहा है तो आपने उस पे चैनल कैसे बनाना है, सारा कुछ मैं आपको ऑप्शन लाकर भी दिखाऊंगा। अगर आपकी तरफ ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं लाकर भी दिखाऊंगा और चैनल आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। तो मोबाइल स्क्रीन पर चलकर मुकम्मल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अभी कुछ लोगों को यहां पे समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट्सएप की कौन सी ऐप पे ये अपडेट आई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूं, उस पे ये अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आपने इसको अपडेट कर लेना है, तो आपकी तरफ ये अपडेट आ जाएगी, आपकी तरफ ये वाला ऑप्शन जो है आ जाएगा। लेकिन अब आपने इस पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन कैसे लाना है और इस पर चैनल को बनाना कैसे है, तो उसके लिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऑनलाइन की डेली बेस पे आपको वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपने वीडियो को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। यहाँ पे मैं आपको जो है ना क्रिएट चैनल का ऑप्शन लाकर भी दिखाऊंगा और आपको चैनल को बनाकर भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे आना है और यहाँ पे जो है ना प्ले स्टोर पे आपने सबसे पहले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास व्हाट्सअप बिजनेस है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने जो है ना इसको सबसे पहले तो अपडेट कर लेना है। सबसे पहले आपने व्हाट्सअप बिजनेस को अपडेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने व्हाट्सअप बिजनेस को जो है ना पहले अपडेट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको यहां पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसको यहां पे आपने हटा देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह आपके पास इंटरफेस आता है तो उस तरह ये देख सकते हैं मेरे पास ओपन हो चुका है। यहां पे काफी सारी चैट्स हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है, यहां पे जो अपडेट आपके पास, यहां पे अपडेट का ऑप्शन एक आ जाएगा, अपडेट का एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आपने इस अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है ना स्टेटस वगैरह शो होते हैं। आपने अपडेट नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो होगा, यहाँ पे अगर आपने अपडेट कर लिया होगा तो यहाँ पे आपको अपडेट यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्टेटस नज़र आते हैं, स्टेटस को यहाँ पे वो भी मैं आपको शो नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं चैनल दिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है, आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन आता है कि फाइंड चैनल। यहाँ पे जब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट चैनल का ऑप्शन भी आ चुका है और यहाँ पे नीचे जो है फाइंड चैनल का ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है। क्रिएट चैनल का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अब आपने इस क्रिएट चैनल का ऑप्शन आपने कैसे लेकर आना है, अब आपने यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन कैसे लेकर आना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ इसको। तो अब आपने अपने व्हाट्सएप पे चैनल का ऑप्शन कैसे लेकर आना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बैक आ चुका हूँ। अब आपकी तरफ जो अगर फाइंड का ऑप्शन सिर्फ आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे गूगल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च करनी है। यहाँ पे सर्च वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है व्हाट्सएप चैनल हेल्प सेंटर। व्हाट्सएप चैनल हेल्प सेंटर के नाम से आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल हेल्प सेंटर ये लिखकर आपने सर्च करना है। व्हाट्सएप चैनल हेल्प सेंटर लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक पहला लिंक आएगा, आपने इस पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का हेल्प सेंटर जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है यहाँ पे। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपने आना है। यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने चैनल क्रिएट करने के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने किस तरह ओपन करना है व्हाट्सएप को और किस तरह जो है आपने अपना चैनल यहाँ पे क्रिएट करना है। लेकिन हमारे पास तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो हम आप क्या करेंगे, आपने अपना ऑप्शन लाने के लिए अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है द वेट लिस्ट, ज्वाइन द वेट लिस्ट, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है जो आपको यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो वेट लिस्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। इस वेट लिस्ट पे क्लिक करने के आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया तो उन्होंने कहा है कि ओपन व्हाट्सएप। यहाँ पर आपने ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करना है और आपकी जो है व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि व्हाट्सएप के पास आपका जो नंबर है वो चला जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख लें आप जो है ना, मेरे पास जो है यहाँ पर व्हाट्सएप जो है ना, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो वही सेम जो व्हाट्सएप का ऑप्शन था, व्हाट्सएप की जो ऐप थी वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। मतलब यहाँ पे आपका जो नंबर है वो यहाँ पे उनके पास जो है ना चला गया है वेट लिस्ट में। वहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो वेट लिस्ट में चला गया है। यहाँ पर देख सकते हो वेट लिस्ट लिखा हुआ है, तो आपका नंबर जो है वो व्हाट्सएप के पास वेट लिस्ट में चला जाएगा। और 4 से 5 घंटे के दरमियान या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के दरमियान आपका जो है ये वाला क्रिएट
क्रिएट चैनल का ऑप्शन जो आपको नजर नहीं आ रहा वो आपकी तरफ भी जब भी क्रिएट चैनल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद आपको जब क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिल जाए एक दिन आपने लाजमी वेट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपने चैनल को क्रिएट किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, दो तीन मरतबा आपने ऐसे ही वेट लिस्ट पे क्लिक करके अपना जो है ना नंबर ऐड करवाना है और उसके बाद आपने वेट करना है एक दिन का और उसके बाद आपने जो है ना अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जो है ना अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपडेट आपको नजर आ रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना है। जस्ट नीचे जाना है थोड़ा सा और फिर से आपने जो है ना ऐड अपने ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपके पास भी कुछ क्रिएट चैनल का इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो है ना इसी तरह आपने कर लेना है और उसके बाद आपका क्रिएट चैनल का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रिएट चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो क्रिएट चैनल का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ना आपने अपनी डीपी लगानी है। आप जो है ना यहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे कैमरे पे भी आपने क्लिक करना है और आपने गैलरी में से अपनी कोई भी जो पिक्चर है वो यहाँ पे आइकन के तौर पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना अपना चैनल का आपने नाम रख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैनल का आपने यहाँ पे नाम रख देना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपने डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। कुछ डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिख देनी है, कुछ अपने चैनल के बारे में आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। जिस तरह आप यूट्यूब चैनल पे कुछ लिखते हैं अपने बारे में यहाँ पे, तो आपने उसी तरह अपने चैनल के बारे में कुछ यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपने क्रिएट चैनल पे क्लिक कर लेना। तो इसको मैं पहले फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक अपना चैनल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो चैनल क्रिएट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेट, मजीद इन्फॉर्मेशन, मजीद ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो आप तक पहुँची रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।